నమో రిహంతాణం, నమో సిద్ధాణం, నమో ఆర్యాణం, నమో ఉజ్జాయణం, నమో లోయే త్రికాళవర్తి సవసాహు. మంగళం భగవాన్ వీరో మంగళం గౌతమ గడి, మంగళం కుంద కుందార్యో జైన ధర్మోస్తు మంగళం. సర్వ మంగళ్య మాంగళ్యం సర్వ కళ్యాణ కారకం, ప్రదానం సర్వ ధర్మాణం జైనం జయతు శాసనం. ఓంకార బిందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినా, కామదం మోక్షదం చైవ ఓంకారాయ నమో నమః. నమః సమయసారాయ స్వానుభూత్యా చకాసతే చిస్వభావాయ భావాయ సర్వభావాంతరక్షితే. అజ్ఞానతిమీరాందానం జ్ఞానజన్యశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేనం తస్మై శ్రీగురువే నమః. ఆత్మా జ్ఞానం స్వయం జ్ఞానం జ్ఞానాత్ అన్యత్ కరోతి కిం. పరభావస్య కర్తాత్మా మోహోయం వ్యవహారిణం. మంగళమయ మంగళకరం వీతరాగ విజ్ఞానం నమో తాహి జాతే భయే హరిహంతాది మహాన్. ఓం నమః సిద్ధేభ్య నమః సిద్ధేభ్య నమః సిద్ధేభ్య. నమసల్మై ఆత్మా కి గీత్ గానే వాలి, ఆత్మా కి జై ఘోష్ కర్నే వాలి, రూప్ బతలానే వాలి ఔర్ ఇస్ శుద్ధాత్మా కా స్వరూప్ కో బతలాతే హుయే ఏ శుద్ధాత్మా కి ప్రాప్తి కేసే హో ఇస్కి విధి కో బతలానే వాలి యే మంగళమయ గాథా హై. ఏక్ బాత్ ఆచార్య భగవాన్ యహాన్ పే ఫర్మాతే హై కి జీవ సంసార మే అనాదికాల్ సే హై. జో అనాదికాల్ సే జీవ సంసార మే హై తో సంసార కా అభావ్ కిస్ తరహ సే హో ఇస్కా విధాన, ఔర్ ఇస్కా విధాన బతలానే కే పూర్వ క్యా స్థితి ఘటతీ హై పర్యాయ కే అందర మే అనాదికాల్ సే జో భూల్ హుయీ ఉస్మే కౌన్ సీ ఘటనా ఘటీ కి జిస్కే వజహ సే ఏ సంసార ఆజ్ కే దిన్ మే ఖడా హై. ఇస్కా జ్ఞాన కరాతే హై ఔర్ ఇస్కా జ్ఞాన కరాతే హుయే ఇస్కా లక్ష్య ఛుడాతే హుయే స్వభావ కా లక్ష్య కర్నే కా విధాన బతలాతే హై ఔర్ ఏ విధాన బతలాతే హుయే యహ కహతే హై కి జీవ కో అనాదికాల్ సే ఆశ్రవ హై. ఆశ్రవ కా అభావ పూర్వక సంవర కేసే హో, అధర్మ హై అధర్మ కా అభావ పూర్వక ధర్మ కేసే హో, ఇస్కా విధాన ఇస్ గాథా కే అందర్ మే అత్యంత స్పష్ట ఆచార్య భగవాన్ నే కియా. అబ్ సహీ మే దేఖా జాయ్ తో క్రోధ మాన్ మాయా లోభ కే పరిణామ కే సంసార కీ చర్చా చలేగి నా, तो ये क्रोध मन माया लोभ के जो परिणाम है होते कहां पर है? सबसे पहला अहम प्रश्न यह है कि ये परिणाम कहां पे होता है. तो क्या ये कहां पे होता है उसकी चर्चा करने से पहले ये देखिए कि जीव में क्या होता है. जीव में ज्ञान होता है. अब जीव में ज्ञान होता है तो ये क्रोधादि भाव कहां होते हैं? अब जीव में क्रोधादि होते नहीं है, कहां होते हैं क्रोधादि? శాస్త్ర కే అందర్ మే జిన్వాణి కే అందర్ మే బాత్ ఆతీ హై కి క్రోధాది భావ జీవ కే పరిణామ మే హోతే హై. సమయసార పరమాగమ కే కుచ్ ఆధార అపన్ లే లే కి క్రోధాది భావ కహాన్ హోతే హై.
परमार्थ का स्वरूप क्या है, निश्चय से वस्तु का स्वरूप क्या है, तार्थ से वस्तु की व्यवस्था क्या, एक बार सही तरीके से सुन ले, सुन के समझ ले, तो ये भगवान आत्मा के दर्शन हुए बिना रहेगा नहीं। और भगवान आत्मा के दर्शन हुए तो नियम से संयम होना ही होना है, इसको कोई रोक नहीं सकते। तो ये भगवान आत्मा के दर्शन हो कैसे, तो जो अनादिकाल से जीव को ये जो भ्रांति हुई, ये अनादिकाल से ये पर पदार्थ मेरे, ये नौ कर्म मेरा, ये द्रव्य कर्म मेरा, ऐसी जो भ्रांति हुई क्यों हुई, किस वजह से हुई, तो उसको समझने से पहले 75वीं गाथा में टीका में आचार्य भगवान ये कहते हैं, निश्चय से मोह राग द्वेष सुख दुख, निश्चय से मोह राग द्वेष सुख दुख आदि रूप से अंतरंग में उत्पन्न होने वाला जो कर्म का परिणाम उत्पन्न होता है अंतरंग में, लेकिन परिणाम किसका है, जीव का नहीं का, कर्म का परिणाम, ये राग द्वेष सुख दुख आदि ये कर्म के परिणाम है, जीव के परिणाम नहीं है। क्योंकि जीव का परिणाम तो ज्ञान है, जीव में ज्ञान होता, जीव में राग नहीं होता। यदि राग जीव का स्वभाव होता तो राग का कभी अभाव ही नहीं होता। स्वभाव का कभी अभाव होता है, पर राग का तो अभाव होता, कैसे होता, क्योंकि वो जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव तो ज्ञान है, दर्शन है, चरित्र है, सुख है, वीर्य है। ये सब जब हम लोग छोटे छोटे 8-9 साल के बच्चे लोग गुरुदेव के पास में जाते थे ना, तो किस तरह से समझाते थे स्वभाव को, पहले तो उदाहरण शुरू करते थे वत्थु सहाओ धम्मो से, शब्द प्रयोग तो सिद्धांत की बात करते थे कि वत्थु सहाओ धम्मो, वस्तु का स्वभाव सो धर्म है। फिर उदाहरण देते थे, कितने उदाहरण, एक साथ में 15-20 उदाहरण दे देते थे, किस तरह से सोना का स्वभाव पीला, नींबू का स्वभाव खट्टा, मिर्ची का स्वभाव तीखा, नमक का स्वभाव खारा, शक्कर का स्वभाव मीठा। फिर आप ये शक्कर और मीठापन को अलग करते, नमक और खारापन को अलग करते, सोना और पीलापन को अलग करते, तीन काल में सोना का धर्म जो पीलापन है वो सोना से अलग नहीं हो सकता। यदि सोना का धर्म सोना से अलग नहीं हो तो आत्मा का धर्म आत्मा से अलग कैसे हो सकता है। ये बाहर की क्रिया में संयम की बात चली पूरे प्रवचन में बहुत सुंदर, ये शरीर की क्रिया है, उपवास आदि की क्रिया क्या शरीर की क्रिया है, ये बाहर की क्रिया राग आदि की क्रिया, ये जीव का स्वभाव तो है। अब जीव का धर्म नहीं है यानी जीव का स्वभाव नहीं है, तो जीव का स्वभाव तो ज्ञान है, राग जीव में नहीं होता। राग किसका परिणाम है, कर्म का परिणाम, और स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द बंध संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि रूप बाहर उत्पन्न होने वाले जो नौ कर्म के परिणाम, स्पर्श रस गंध वर्ण से नौ कर्म के परिणाम, और राग द्वेष सुख दुख मोह आदि अंतरंग में उत्पन्न होने वाले कर्म के परिणाम। आज तक जीव ने एक कर्म के परिणाम है राग द्वेष, ये द्रव्य कर्म के अंदर में भाव कर्म का अनुभाग है। भाव कर्म दो जगह पे होता है, जीव रूप भाव कर्म और अजीव रूप भाव कर्म, ये राग द्वेष मोह आदि ये अजीव के अंदर में कर्म में होता है, होता है कर्म के अंदर में और ज्ञान में जानने में आता है। तो ज्ञान में जानने में आते ही मैं रागी वैसी भ्रांति उसे हो जाती है। क्या कहा, राग के परिणाम होते तो है कर्म में लेकिन ज्ञान में जानने में आते हैं, जब ज्ञान में जानने में आते हैं तो मैं रागी मैं क्रोधी वैसी भ्रांति उसे हो जाती। तो यहाँ पे जीव रूप भाव कर्म का जन्म हो जाता, जीव ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो गुरुदेव को पूछते थे कि साहब सही में जीव में नहीं होते क्या राग द्वेष आदि, निश्चय से आचार्य भगवान ने शब्द प्रयोग क्या किया, निश्चय से जीव में नहीं होते, निश्चय से कर्म के परिणाम, जीव के परिणाम होते तो जीव का स्वभाव होता, जीव का धर्म होता, आपके अंदर में से उत्पन्न होने वाली पर्याय में तो प्रति समय ज्ञान होता है, किसी भी पर्याय में प्रत्येक समय उत्पन्न होने वाले परिणाम में सामान्य परिणाम में सामान्य ज्ञान उत्पन्न होता है, और ये ज्ञान सम्यक ज्ञान भी नहीं होता, मिथ्या ज्ञान भी नहीं होता, लेकिन जब ज्ञान का स्वच्छ स्वभाव है
निर्मल स्वभाव है, उसमें ये रागादि परिणाम जब झलकते हैं, जानने में आते हैं, तो मैं रागी वैसी भ्रांति हो जाती है, संसार का राग जीव के परिणाम है, राग उद्गल के परिणाम है, ऐसा एक बार माने। देखिए एक गाथा नहीं है, एक क्रम से 92-93 गाथा के अंदर में, 181-82-83 गाथा के अंदर, वह समय सार के अंदर में कदम कदम पे, पद पद पे बात को सिद्ध किया है कि रागादि परिणाम, सुख दुखादि परिणाम, मोह के परिणाम, कर्म के परिणाम है, उद्गल के परिणाम है। पर निश्चय से हम मानते हैं अपने परिणाम। अब यदि हम उसको अपने परिणाम माने तो उससे मुक्ति कब होगी? अब वह तो अपने परिणाम माने ना, तो जीव का परिणाम माने उसको। अब जीव का परिणाम माने तो संसार तो हमेशा चालू है, होते हैं जीव में और मानता है जीव। यहाँ पे ये बात कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए कर्म की सत्ता है एक बात, कर्म उदय में आते हैं दूसरी बात, जीव के परिणाम उसमें जुड़ते हैं तीसरी बात, जब जुड़ते हैं तो शुभाशुभ भाव होता है चौथी बात, और जब शुभाशुभ भाव होता है तो उनको निमित्त पाकर नए कर्म बंधते हैं। ये सारी बात में हाँ है, कहीं पे मना नहीं है, लेकिन इसमें दो बात बहुत मार्मिक है। कर्म की सत्ता है हाँ, कर्म की सत्ता उदय में आती है तो कहे हाँ, जीव इसमें जुड़ता है तो कहे ना, जीव के परिणाम उसमें जुड़ते हैं, जीव नहीं जुड़ता, द्रव्य नहीं जुड़ता, परिणाम जुड़ते हैं उसके साथ। जब परिणाम जुड़ते हैं तो शुभाशुभ भाव होते तो कहे हाँ, वो शुभाशुभ भाव का कर्ता जीव है तो कहे ना, उसका उपादान कारण कौन है? जो कर्म जो बंधते हैं उसका उपादान कारण कौन है? प्रकृति स्वयं उसका उपादान कारण है, और निमित्त कारण होने वाले शुभाशुभ भाव, जीव उसका कारण ही नहीं है। शुभाशुभ भाव का उपादान कारण या निमित्त कारण जीव है ही नहीं। ये बात जब तक गले न उतरे तब तक मैं राग से सर्वथा भिन्न, ये राग अजीव के परिणाम है, ऐसा विश्वास न बैठे, ऐसा ज्ञान में न बैठे पहले तो। अब ज्ञान में नहीं बैठे तो श्रद्धा में कैसे आए? क्योंकि जहां पे राग का जन्म होता है वही उसी क्षेत्र में राग का अभाव होकर वितरागता का जन्म होता है। जब राग मेरा नहीं तो वितरागता भी मेरी नहीं, ये कौन सी बात है? ये बात बहुत आकरी लगती है, कड़वी लगती है, लेकिन मीठी है। इस बात को उसने समझने की कोशिश ही नहीं की तो पर्याय बुद्धि सदा बनी रहेगी। अब जब तक पर्याय बुद्धि बनी रहेगी तब तक व्यवहार उत्पन्न होते रहेगा। कौन सा व्यवहार? दो प्रकार का व्यवहार, एक पराश्रित व्यवहार और एक भेदाश्रित व्यवहार। ज्ञान में पर जानने में आता है, ये तो है पराश्रित व्यवहार, और ज्ञान में, ज्ञान पर्याय में ज्ञायक जानने में आता है। जाननारो जनाय छे आ छे भेदाश्रित व्यवहार। क्या कहा? पर जानने में आता है, ये तो है पराश्रित व्यवहार, पर जानने में नहीं आता। किसी भी जीव को पर जानने में नहीं आता, क्योंकि जानने की व्यवस्था यह है कि ज्ञान जिसमें तन्मय हो उसको जाने। ज्ञान पर में तन्मय होता है? नहीं होता। नहीं जानता माने खरेखर नहीं जानता, नहीं जानता ऐसा वो प्रतिभासित नहीं होते, प्रकाशित नहीं होते, प्रतिबिंबित नहीं होते, ऐसा नहीं, खरेखर नहीं जानता। खरेखर नहीं जानता माने पर पदार्थ का ज्ञान में अनुभवन नहीं होता। सही में देखा जाए तो ज्ञान के अंदर में क्या होता है? दर्पण के अंदर में क्या होता है? सामने दीपक हो तो अब दर्पण के अंदर में जो दीपक है, ये जो बाहर में जो दीपक है, उनके द्रव्य गुण पर्याय में से दर्पण के अंदर में कौन सा दीपक है, उनके कौन सा द्रव्य गुण पर्याय दीपक के अंदर में है? तो दर्पण के अंदर में तो दर्पण का दीपक है, दीपक का दीपक नहीं है। अब दीपक का दीपक है ही नहीं, तो उस दर्पण के अंदर में तो दर्पण का दीपक है। ये ज्ञान में जानने में नहीं आते। सही में देखा जाए तो अपनी ज्ञान पर्याय जानने में आती है, और ज्ञान पर्याय जानने में आती है बाद भी व्यवहार है। तो जब तक शुद्धात्मा कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, ज्ञान में सदा काल सभी को भगवान आत्मा जानने में आता है। इस बात को चिंतन से, मंथन से, विचार से, तत्व चर्चा से अंतरंग में नहीं उतारे
तब तक ज्ञायक के ऊपर में दृष्टि जाए तो कैसे जाए। समझने योग्य यदि विषय है तो यह है कि अबाल गोपाल सभी को सदाकाल भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। आचार्य भगवान के वचन है 17-18 का, सभी को, ऐसा नहीं कि ज्ञानी को। किस काल में? जब सम्यक दर्शन सिद्ध हो जाएगा तब। सभी काल, सभी को सदाकाल भगवान आत्मा अनुभव में आता है। ऐसी व्यवस्था है, आता है भगवान आत्मा अनुभव में और वो मानता कि पर जानने में पर से दृष्टि हटे नहीं, यानी पर से लक्ष्य हटे नहीं तो स्वभाव के ऊपर में लक्ष्य जाए नहीं। अब स्वभाव के ऊपर में लक्ष्य जाए उसका नाम धर्म है। अभी जो ज्ञान जो है उसका काम है लक्ष्य को प्रसिद्ध करना। एक ज्ञान लक्षण है, लक्षण का काम है लक्ष्य को प्रसिद्ध करना, लक्षण का काम अलक्ष्य को प्रसिद्ध करना है नहीं। मिर्ची का स्वभाव तिखास है, तो जो तिखापन जो है उसका काम क्या? मिर्ची को प्रसिद्ध करना। उसका काम सब्जी को प्रसिद्ध करना नहीं है। खारापन है, उसका काम है नमक को प्रसिद्ध करना, दाल को प्रसिद्ध करना नहीं है। तो ज्ञान का काम क्या है? ज्ञान किसका है? ज्ञायक का। तो जो यदि ज्ञान ज्ञायक का है तो उसका काम है ज्ञायक को प्रसिद्ध करना। लक्षण उसे कहते हैं जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करे। लक्षण लक्ष्य के साथ में अविनाभावी संबंध रखते हैं और अलक्ष्य के साथ में सर्वथा भिन्नता। अब जानने में आता है भगवान आत्मा और मानता है कि मेरे को जगत जानने में आता है। स्व आत्मानुभव मन प्रकाश के अंदर में ऐसा कहता है केवल ज्ञानी मेरे को उस तरह नहीं जानते जिस तरह से मैं अपने आप को जानता हूं। केवल ज्ञानी तो मेरे को पर हिसाब से जानेंगे। मेरे ज्ञान में मेरा आत्मा जिस तरह से जानने में आता है उस तरह से केवल ज्ञानी जानेंगे क्या? कितनी अद्भुत बात है, कितनी जबरदस्त बात है। जीव ने एक क्रोध भाव है, राग भाव है, ये अन्य द्रव्य के भाव है ऐसा माना ही। जब तक वो अन्य द्रव्य के भाव है ऐसा मानने में नहीं आएगा, ऐसा समझ में नहीं आएगा, तब तक जैन दर्शन का जो रहस्य है आत्मानुभूति, इसे जैन शासन कहते हैं, वस्तु का वास्तविक स्वरूप स्व संवेदन में आवे। किस तरह से? जैसा स्वभाव है वैसा जान। अभी वैसा जानता ही नहीं, रुका है बस इस विषय में, उस विषय में, उस विषय। भेद ग्राह्य है, भेद को ग्रहण करना ज्ञान का स्वभाव ही नहीं। भेद को ग्रहण करना मन का स्वभाव है। ज्ञान का स्वभाव अभेद ग्राह्य है और ज्ञान निर्विषय है। ज्ञान का कोई विषय नहीं होगा। ज्ञान तो स्वपर को जानता है। अरे ज्ञान के अंदर में स्व और पर ऐसा भेद ही नहीं होता। ज्ञान के अंदर में ज्ञान बसता है, ज्ञान के अंदर में स्व पर ऐसा विवाद नहीं बसता। सिर्फ ज्ञान के अंदर में ज्ञान बसता है। यही बात कहते हैं आचार्य भगवान। अब ये जो द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो ये जो कसाई चक्र के जो उदय है उसकी विचित्रता के वश से प्रवर्तते हुए पुण्य पाप यानी कि कर्म उसको उत्पन्न करना समस्त अनेक रूप शुभ अशुभ भाव, ये जो पाप पुण्य का जो कर्म है उसको उत्पन्न करना कौन है? उसका निमित्त कारण कौन है? शुभ अशुभ भाव उसका निमित्त कारण है। भगवान आत्मा उसका निमित्त कारण नहीं है। अशुभ भाव तेमना स्वभावे परिणाम तो नहीं, माना उस रूप होता नहीं है। ज्ञायक भाव जड़ भाव रूप होता नहीं है। ये शुभ अशुभ भाव जड़ भाव है और ज्ञायक भाव जड़ भाव रूप नहीं होता है। देखिए बात ये कहते हैं ज्ञायक भाव थी जड़ भाव रूप हतो नहीं, ये शुभ अशुभ भाव ये जड़ भाव है। जब शुभ अशुभ भाव रूप नहीं होता तो शुभ अशुभ भाव के अभाव रूप जो अप्रमत दशा होती है उस रूप भी नहीं होता। यदि प्रमत रूप नहीं होता तो प्रमत के अभाव रूप अप्रमत दशा जो होती है उस रूप भी नहीं होता। तेथी प्रमत पण नथी अने अप्रमत पण नथी। ये ज्ञायक भाव से जड़ रूप नहीं होता, ये शुभाशुभ भाव है जड़ भाव है। ज्ञायक भाव है वो जड़ भाव रूप नहीं होता। बहुत लोग गुरुदेव के पास में आते थे, साहब जब आप ये बात कर देना तो हमारी समझ में नहीं आती। बोला भैया समझ में नहीं आती है तो समझो, जगत के अंदर में तुझे कुछ समझना है तो इसी को समझना होगा, इसके समझे बिना काम बनने वाला नहीं। बना हाल के बुजुर्ग देव के पास में आए, बहुत सूक्ष्म पड़े से, बहुत झीणु पड़े से, ये झीणो स्वभाव तो है सूक्ष्म, क्या कर? कहने में तो आती है सादी भाषा में, सरल भाषा में, लेकिन भाव तो जो है सो है, उसको हम क्या कर सकते हैं? तो कि साहब सब सम में याद नहीं रहता, धारणा के अंदर में इतनी सूक्ष्म बात याद नहीं रहती। तो उसने पूछे कि भाई साहब आपका नाम क्या है?
कहीं से मध्य प्रदेश से आए, दे दिया कि जवाहरलाल जी। तो जवाहरलाल जी आपकी उम्र कितनी है, आपके बेटे कितने हैं, चार बेटे हैं, बिटिया कितनी है, तो कि तीन बिटिया है। वो चार बेटे का नाम थोड़ा बताइए, उन्होंने चारों बेटा का नाम बता दिया। बोले तीनों बिटिया का नाम बता दीजिए, तो तीनों बिटिया का नाम बता दीजिए। बोले जब आप 80 साल के, तो सातों की शादी तो हो गई होगी। हाँ साहब, सातों की शादी हो गई। तो ये जो चार बिटिया, उनके बहू के नाम बता दीजिए, तो चारों के बहू का नाम बता दिया। बोले उनके बच्चे का नाम बता दीजिए, तो वो भी बता दिया। और उनके सास ससुर का नाम बता दीजिए, तो वो भी बता दिया। और बिटिया के जो जमाई है, और उनका नाम बता दीजिए, तो वो भी बता दिया। कौन कहता है कि आपके पास में सुयोपसम नहीं है? सुयोपसम नहीं होता तो ये आपको याद नहीं रहता। लेकिन मुझे आत्मा चाहिए, ऐसी रुचि नहीं है, रुचि नहीं है उसमें, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता तो बात नहीं बैठती। मन लगना चाहिए, रुचि होनी चाहिए कि मारे आत्मा जुए छे, मारे आत्मा समझो छे। इस जीवन के अंदर में मुझे आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ऐसा संकल्प हो कि सूरज पूर्व में से पश्चिम में उगने लगे और सारा का सारा विश्व में उथल पाथल मच जाए, लेकिन मेरा जो निर्णय है कि मुझे एकमात्र आत्मा चाहिए, तो आत्मा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रतिकूलता की पहाड़ आ जाए, और बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रतिकूलता का पहाड़ फट जाएगा। उस प्रतिकूलता के पहाड़ में फट के क्या होगा, तो कहते हैं कि खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा, पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलेगा, रहने के लिए घर नहीं मिलेगा। ये तीन चीजें तो होगी, खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा, रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, और पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलेगा। तो अच्छा ही तो है, मुनि हो जाएंगे, सब छूट ही गया। एक आत्मा के अलावा कुछ चाहिए नहीं, और ऐसी दृढ़ भावना हो तो मुनिपना आ जाएगा, चिंता मत करो। प्रतिकूलता की चरम सीमा क्या हो सकती है? तू जिसे प्रतिकूलता कहते है तो परम अनुकूलता है। मुझे पता नहीं भैया अनुकूलता क्या और प्रतिकूलता क्या। सही में जो गुरुदेव की जो पहचान है वो बाहर से है। किस तरह से? तो दोनों बहनों, बहन श्रीभा बहन और शांता बहन, ऐसा कहा करती थी जब प्रथम प्रथम शुरू शुरू में जब गुरुदेव हमें मिले, तो जब हम गुरुदेव की बात करते हुए थकते नहीं थे। हमारे गुरुदेव तो ऐसे, कैसे गुरुदेव? तो बहुत सुंदर गुरुदेव, बहुत उच्चे गुरुदेव, एकदम प्रचंड गुरुदेव। आवाज तो इतनी कि हजारों की सभा बिना माइक के हो, जो आवाज बोले हो अंतिम पंक्ति तक सबको सब बात सुनाई दे, एकदम सी गर्जना, और बात करे एकदम सचोट। बस ऐसे हमारे गुरुदेव के पास तुम चलो और उसकी बात सुनो। इस तरह से हम गुरुदेव के परिचय सबको दिया करते थे। लेकिन जिस वक्त हमें हमारे गुरुदेव की पता चला, हमारे ज्ञायक गुरुदेव का पता चला, तब पता चला कि ये जिसको हम गुरुदेव कहते हो, गुरुदेव तो है ही नहीं, ये तो शरीर गुरुदेव की बात हम करते हैं। वास्तविक गुरुदेव तो जो ज्ञायक गुरुदेव है वो गुरुदेव है, ये तो गुरुदेव है ही नहीं। तो जब तक ज्ञायक गुरुदेव की पहचान नहीं करोगे, तब तक ये पंच परमेश्वर क्या है, अरिहंत परमात्मा क्या है, सिद्ध परमात्मा क्या है, आचार्य उपाध्याय साधु भगवंत क्या है, किस मस्ती में मस्त रहते। कई बार गुरुदेव श्री के बात करते हो, डुबकी लगा के आ जाए और फिर बात चलती रहे, जगत को पता ही नहीं चले। कई बार तब क्या उसको मैं परमात्मा हूं ऐसा विकल्प तो नहीं करना पड़ता, ज्ञान में सीधा ज्ञायक का ग्रहण होता है, बाहर आ जाता। ऐसी मस्ती क्या चीज है, ये स्वभाव को समझे बिना, ये त्रिकाली ज्ञायक भाव को समझे बिना। ये क्रोधादि भाव जड़ भाव है, ये क्रोधादि भाव कर्म के परिणाम है, जीव के परिणाम नहीं है। ये भी बात है कि क्रोधादि भाव, ये तो आ गया है सिर निर्निजम, क्रोधादि भाव माने कर्म परिणाम एवं जीव द्रव्य, वो सिर निर्जीव एक क्षेत्र पे है, लेकिन दोनों के बीच में अत्यंत भिन्नता है, सर्वथा भिन्नता है। एक कर्म का परिणाम है, एक ज्ञायक भाव। दो पदार्थ को जीव ने कभी भिन्न भिन्न माना ही नहीं, मैं रागी मैं क्रोधी। अब ज्ञान के अंदर में तो लोकालोक जानने में आता है, लेकिन जिसके ऊपर में उसका लक्ष्य जाता है तो मैं रागी, ऐसी भ्रांति हो जाती है। इस भ्रांति का नाम संसार है। संसार कोई कुटुंब परिवार धंधा व्यापार आदि, उसका नाम संसार, भ्रांति का नाम संसार माने भ्रांति, माने क्या दृष्टि का दोष है,
अब दृष्टि का दोष है तो क्या करे, अब आंख में कुछ खराबी हुई तो दो चांद दिखने लगे, तब क्या करे, एक चांद को हटा दे, दृष्टि को ठीक कर, क्योंकि लक्ष्य नियम से एक का होगा, ज्ञान दो का और लक्ष्य एक का, प्रतिभास दो का और ज्ञान, प्रतिभास दो का और लक्ष्य एक का, लक्ष्य कभी दो का नहीं हो सकता, एक समय में लक्ष्य एक का। स्वभाव का लक्ष्य करना हो तो विधान यह है, कौन सा विधान, कि पहले तो निर्णय कर कि ज्ञायक भाव से जड़भाव रूप नहीं होता, अब जब ज्ञायक भाव से जड़भाव रूप नहीं होता उस लिए प्रमद भी नहीं और अप्रमद भी नहीं, वही तेज कौन, वो ज्ञायक भाव तेज समस्त अन्य द्रव्यों ना भावो थी बिन पड़े उपासमा हो, तो वही ज्ञायक, कौन सा ज्ञायक, जिस ज्ञायक के बारे में अभी कहा गया ऐसा ज्ञायक ऐसा ज्ञायक ऐसा ज्ञायक ऐसा, जो अस्थि से ऐसा और नास्ति से ऐसा, नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता, ऐसा ज्ञायक, ऐसा जो ज्ञायक कहा गया, जो ज्ञायक भाव जड़भाव रूप नहीं होता, जो ज्ञायक भाव शुभाशुभ रूप नहीं परिणमता, जो ज्ञायक भाव प्रमत अप्रमत रूप नहीं परिणमता, ऐसा जो ज्ञायक भाव है, अन्य द्रव्यों के भावों से, अन्य द्रव्यों से नहीं, अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न पने उपासित, उपासना जब होती है भिन्न पने उपासना, तागादी भाव ये अन्य द्रव्य के पुद्गल द्रव्य के भाव है, इस तरह से जब उपासना हो, उपासों में आओ तो शुद्ध कहवाई छे, शुद्ध कहने में आता है, वो अन्य द्रव्यों से, अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्नपने उपासित होना, उपासना करना, ऐसे शुद्ध कहने में आता है, शुद्ध कहने में आता है, इस तरह से सही में शुद्ध होता नहीं है, जब अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्नपने उपासना की तो स्वभाव की उपासना हुई, और स्वभाव की उपासना हुई तो अन्य द्रव्य के भावों से भिन्नपने की उपासना हुई, उस तरह से उसे शुद्ध कहा जाता है। अब सही में तो अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्नपने उपासना नहीं हुई, सही में तो अपने स्वभाव की उपासना हुई, अपने स्वभाव की सेवा हुई, अपने स्वभाव की सेवा हुई तो उस वक्त क्या नहीं हुआ, तो कि अन्य द्रव्य के भावों की सेवा नहीं हुई, जो अनादिकाल से जीव करता है। ज्ञान के अंदर में आत्मा का ग्रहण हुआ तो क्या हुआ, तो राग का त्याग हुआ, सही में तो ज्ञान के अंदर में ज्ञायक का ग्रहण हुआ। वस्तु की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि जहां पे अस्थि की यदि मस्ती चढ़ जाए, अपने स्वभाव की एक बार मस्ती चढ़ जाए तो अनुभूति अस्थि की मस्ती में ही आती है, लेकिन इस अनुभूति आने से पहले विधि निषेध भी होता है और विधि भी, विधि निषेध माने जो मेरे में नहीं है उसकी मेरे में नास्ती, और विधि माने मैं जैसा हूं वैसा विचार वैसा विकल्प वैसा चिंतन होता है, लेकिन विधि में अनुभव नहीं है। जब विधि छूट जाती है, विधि के विकल्प समाप्त हो जाता है, तब अनुभूति होती है, तब स्वभाव की सेवा हुई, तब स्वभाव की उपासना हुई। अब जब स्वभाव की उपासना हुई तो अभी तक जिसकी सेवा करता आ रहा था, किसकी, मैं रागी मैं क्रोधी मैं मानी, ये अन्य द्रव्यों की भाव की सेवा करता आ रहा था, उसकी उपासना नहीं हुई, इस तरह से उसे शुद्ध कहने में आते। इस गाथा के अंदर में इतने विस्तार है, इतना रहस्य भरा पड़ा है कि कितने कितने दृष्टिकोण से आप कितनी कितनी बातें करो वो बातें पूरी नहीं होती। अब जिस समय जो बात आ जाए सो आ जाए, समझने योग, निश्चय करने योग, निर्णय करने योग, क्योंकि ये जो कर्म और ज्ञायक दोनों भिन्न भिन्न, क्योंकि जीव के अंदर में 181, 82, 83 कथा में दोनों के बीच में क्षेत्र भिन्नता की, तो उपयोग में क्रोधादि भाव नहीं है, उपयोग का क्षेत्र जुदा और क्रोधादि का क्षेत्र जुदा, दोनों का एक क्षेत्र नहीं है। 181 गाथा का संवर अधिकार पर में मानता है जीव, लक्ष्य उसके ऊपर में है, एकत्व तो उसमें है, लक्ष्य वहां से हटे, कैसे हटे, ज्ञायक की महिमा स्वभाव की अपूर्वता भाषा, जैसे जैसे ज्ञायक की महिमा जिस तरह से भाई साहब ने गाई, अब वो ज्ञायक की हर तरह से महिमा आवे, हर बाजू से उसकी महिमा आवे कि कैसा है भगवान आत्मा, कैसा ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा भगवान, मैंने वो भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा करते थके नहीं, और जब थके तो ऐसी थकान लगे उस विकल्प के अंदर में भी, विकल्प टूट जाए और स्वभाव में चला जाए, ऐसा अद्भुत ज्ञायक है, जैसा ज्ञायक है ऐसा ज्ञायक सबके ज्ञान श्रद्धान में आवे तो आत्मा की अनुभूति सहज है, कि अनुभव करना नहीं है,
करने के प्रयास है पर्याय, किसी न किसी बहाने। अच्छा, मैं कुछ करता नहीं, मैं अकर्ता, मैं अभोक्ता, लेकिन मैं करता नहीं, लेकिन मैं पर को जानता तो हूं ना, ये भी दोष। कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि, श्रद्धा का दोष और ज्ञान का दोष। जीव की अनादिकाल से दो भूल, तो मैंने लालचंद भाई तो उनको दो भूत कहते थे, तो दो भूत है, कर्ता बुद्धि का भूत और ज्ञाता बुद्धि का भूत। तो दोनों भूत मैंने युगलिया है। अब युगलिया क्या, एक साथ जन्मते एक साथ मरते। कर्ता बुद्धि तो हमारी छूट गई, लेकिन अभी ज्ञाता बुद्धि रह गई, ऐसा नहीं होता। कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि दोनों एक समय में जाती, एक साथ जाती, तत्व युगपत परिणमते आत्मा की अनुभूति में। अब इसका विस्तार दूसरे पैराग्राफ के अंदर में और आगे आएगा। दूसरा पैराग्राफ भी अद्भुत है। आचार्य देव ने जिस उदाहरण के माध्यम से ज्ञान की व्यवस्था जो बतलाई है, वो भी सुंदर है, अति सुंदर है। और इस श्रद्धा का स्वरूप, माने ऊपर में अभी जितनी बात की ये दृष्टि का विषय, अब जो बात करेंगे वो ज्ञान का स्वभाव, ज्ञान की व्यवस्था, ज्ञान की व्यवस्था को जानते हुए माने बैलेंस करते हुए, जिसको संधि करना, श्रद्धा का विषय और ज्ञान की व्यवस्था की जो संधि कर पाता है, उसको नियम से आत्मा की अनुभूति होती है। अनुभूति नहीं होती तो उसका मतलब यह है कि दोनों के बीच में अनुसंधान नहीं कर सकता। ज्ञान के स्वभाव का इनकार करे तो आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। और ज्ञान के पक्ष में रह जाए, यानी व्यवहार के पक्ष में रह जाए, तो आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। देखिए, पर्याय से जब बात करें तो बात अलग होती है, द्रव्य से जब बात करें तो बात अलग होती है। पर्याय से बात करें तो पर्याय द्रव्य से अभिन्न, और द्रव्य से बात करें तो पर्याय सर्वथा भिन्न। अब ये बात कहां पर खड़े रहकर किस विषय की बात क्या सिद्ध करने के लिए किस प्रयोजन से की जाती है, ये प्रयोजन यदि लक्ष्य में आ जाए तो वस्तु को समझना बहुत सरल, आत्मा की अनुभूति सही में सरल है। कहा गया ना, वो अनुभूति होने के पश्चात उस ज्ञानी को, जिसको प्रथम बार अनुभूति हुई, वो अनुभूति के पश्चात उसको प्रथम विकल्प यह आता है कि अरे अनुभूति इतनी सरल थी तो अनंत काल संसार में बीता कैसे। उसको स्वयं को आश्चर्य होता है, अब इतनी सरल अनुभूति, मैं स्वयं ज्ञायक और मेरे को ज्ञायक समझ में नहीं आवे, ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं समझ में आता क्यों, मेरा ज्ञायक, जब तक मेरा ज्ञायक दिखेगा तब तक मैं ज्ञायक हूं वैसा नहीं दिखेगा। ज्ञायक मेरा मन, मेरा ज्ञायक मन क्या, मैं अलादा और ज्ञायक अलादा, ऐसा नहीं। मैं ज्ञायक, जब तक मैं ज्ञायक हूं, ऐसा विश्वास, ऐसा ज्ञान श्रद्धा नहीं होगा। तब तक भगवान आत्मा अनुभव में आने पर भी तो कहते थे वेदन में आवतो हुआ छता पण वेदा तो नहीं, भगवान आत्मा वेदन में आवे छे। वर्षी भाई बहुत संवेदन में होता ना, अरे उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सम्य दर्शन की बात नहीं करते हो। भगवान आत्मा वेदन में आता, अनुभव में नहीं आता। सर ये कौन सी बात आप कहे, पर भाई संभल संभल जी बात छे, आत्मा अनुभव में आता ये बात तो सही है, लेकिन हम उससे आगे चल के कुछ कहते हैं कि भगवान आत्मा वेदन में आता लेकिन वेदाता नहीं। तो सब इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है, उदाहरण देते फिर सीधा तो समझ में नहीं आवे। आप सब 13 साल 14 साल 15 साल के बच्चे और इतनी अनुभूति की गंभीर गंभीर बातें करे जब मस्ती में हो, तो ऐसे तो सामान्यतया बच्चे लोग को जो बात सीधी सीधी गले उतर जाए वो बात चलती है, लेकिन जब खुद की मस्ती हो तो मस्ती के अंदर में फिर कौन है सामने, उसकी कुछ खबर ही नहीं रहती, बस जो कहना है वो कह देते थे। तो उसके अंदर में ऐसा उदाहरण दिया कि एक बच्चा है और बच्चा को हाथ पे लग गया, अब हाथ में बहुत बड़ी चोट आई और रोने लगा बच्चा, लगा तो खून बह रहा है, रो रहा है बच्चा। तो फिर वो माँ बाप क्या करते हैं, उसका ध्यान अलग जगह घुमा देते, बातों में लगा देते, कहानी करने लगते हैं। तो जब वो बातें अलग करने लगे तो बच्चे का ध्यान उधर चला गया, लक्ष्य उधर चला गया। जब लक्ष्य उधर चला गया तो रोना बंद हो गया। तो जब रोना बंद हो गया उस समय में उसको दर्द है कि नहीं, जहां फिर वहां पर लक्ष्य जाता तो फिर रोने लगता। तो लक्ष्य जाए तो रोना और लक्ष्य छूट जाए तो रोना बंद हो जाए, लेकिन दोनों ही स्थिति के अंदर में दर्द वहां पे है कि नहीं। तो भगवान आत्मा वेदन में तो आवे छे, वेदा तो वेदन में तो आ रहा, लेकिन स्वसंवेदन में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, कि वहां पर लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है उससे वेदन में नहीं आता। लक्ष्य कहां पे, राग पे, लक्ष्य कहां पे, पर पदार्थ पे। यदि वो लक्ष्य स्व पे आ जाए, कि लक्ष्य ये भी पर्याय है, लेकिन उस पर्याय में पर्याय नहीं बसती, उस पर्याय में स्व बसता है। जिस पर्याय के अंदर में सर्वथा स्व बसता है, उस स्व के अंदर में
स्व का लक्ष्य हुआ ऐसा कहा जाता है। ऐसा लक्ष्य सभी को हो उसी मंगल भावना के साथ। Thank you.